हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग जी। मेरे भाइयों का मैसेज आया था कि ट्रांसमिशन के बारे में थोड़ा बताइए। बहुत मेरे भाई ऐसे हैं जो ग्रेडर सीखते हैं, उनके पास नया ग्रेडर होता है, मेंटेनेंस का नहीं ज़्यादा पता लगता है ना। या कई बार मान लो सर्विस होती है ग्रेडर की, कोई ना कोई छुट्टी गया होता है तो नहीं पता चलता है कि हाँ सर्विस कैसे होगी। तो मैं आज आपको बताऊँगा कि किन दो जगहों से ऑयल निकलता है और डलता है एक जगह से ही है। ठीक है जी, चलो बताता हूँ जी आपको मैं। हाँ जी, ये देखो दोस्तों, अब मैं आ गया ग्रेडर के नीचे। अब आगे से बता दूँ आपको मैं, ये अपना ग्रेडर है देखो। वैसे तो खड्डा मार लेते हैं नीचे जब मान लो करना है, क्योंकि नीचे बाल्टी वगैरह लगानी पड़ती है ना। कोई कंपनी होती है ऑयल की, टेंशन नहीं लेती, नीचे फेंक देती है। नीचे फेंकना लगवाता है जी, किसी चीज़ में इकट्ठा करना वो, ठीक है, जो बेस्ट अपना ऑयल है। तो क्या करना है, ऐसे नीचे जाना है। नीचे आके देखो, एक तो ये अपने सेंटर पिन होती है जिसको हम ग्रीस करते हैं, दो पिने होती है मालूम ऊपर नीचे। तो आगे आ जाना, जो पीछे प्लेट होती है ट्रांसमिशन की, ये कैट के बारे में बता रहा हूँ जी आपको मैं। ये नट दिया हुआ देखो, अब इसमें मिट्टी लगी हुई थोड़ी, इसलिए वो थोड़ा हो रहा है। ये आप गोटी से भी खोल सकते हो, या जब टामी आती है देखो, ये टामी वाला है चोर से बीच में बना हुआ है, देखो ध्यान से, टामी से भी खोल सकते हैं। ठीक है जी, एक तो यहाँ से निकलेगा ऑयल, ठीक है जी। एक आपने देखो कई बार जो आपकी प्लेट है, ये प्लेट होती है ट्रांसमिशन के नीचे लगी होती है, इसको हम साफ भी करते हैं, मिट्टी भर जाती है। जो बीच में वो सुराख दे रखा देख रहे होंगे आप, वो वाला, उसके बिल्कुल ऊपर एक नट होता है, उस नट को खोलना है, एक वहाँ से निकलेगा। ठीक है, पहले मिट्टी थोड़ी साफ कर लेनी है, फिर वहाँ से साफ करना है। इन दो जगहों से निकलता है ऑयल, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ऑयल कहाँ से निकलता है, ठीक है जी। अब आ जाओ पीछे, हमारा ये होता है कि ट्रांसमिशन फिल्टर, इसको चेंज करना होता है, ठीक है जी। फिल्टर पाना जो आता है उससे, जा अपनी गोटी ले लो, ठीक है, उससे खोल के आराम से खुल जाता है जी। खोल के इसको चेंज कर लो, इसके अंदर फिल्टर डलता है, ये नहीं है पूरा फिल्टर, इसके अंदर फिल्टर डलता है वो, ठीक है जी। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, एक ये फिल्टर होता है इसका अंदर, ये जो दे रखा सामने ये वाला, ये भी फिल्टर होता है। ये फिल्टर होता है मैग्नेटिक वाला, यानी चुंबक वाला, ठीक है जी। जो मान लो ट्रांसमिशन का जितना भी मान लो गुरारी अंदर कुछ भी थोड़ा घिसती है, जो उसका कचरा आता है, वो फिल्टर क्या है, खींच लेता अपनी तरफ, इसमें चुंबक लगी होती है, ठीक है जी। इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, आगे जाके कहीं ज़्यादा आपको दिक्कत आए तब इसको खोलते, वैसे इसको खोलते नहीं है, मेन तो यही है, ठीक है जी। देख लिया जी, हम आपको दिखाते हैं ट्रांसमिशन डलता कहाँ से है। अब आ जाओ इधर, जहाँ से हम चेक करते हैं, ये देखो, ये हमारी गेज है इंजन की, इंजन ऑयल की, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, इसको करना ऐसे घुमा के, ये देखो, ये घुमा लिया बस, इसको ऐसे उठा लेना, इसी के अंदर गेज है, और गेज निकाल के इसी में ऑयल डालना है, ठीक है जी। ऑयल डाल हुआ वो 55-60 लीटर के करीब इसमें आता है, वो डाल लेना है, ठीक है जी। जैसे इसको टाइट कर देना, ठीक है जी भाइयों। ये मेरे भाई की डिमांड थी, डिमांड पे मैंने ये वीडियो बनाई है, ठीक है जी। और ये उनके लिए जो मान लो हमारे नए जो लड़के हैं जो मशीन सीख के बाहर चले जाते हैं, कई बार बाहर क्या होता है, कुछ जगह ऐसे होते हैं कि मान लो जैसे कंपनी में चले गए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। कई बार हम सिंगल मालिक के पास चले जाते हैं, वहाँ थोड़ा बहुत मेंटेनेंस खुद करना पड़ जाता है। उसके लिए आपको भी अच्छा ही है, जब किसी मालिक की निगाह में आप आओगे तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि आप मेंटेनेंस भी कर रहे हो, ठीक है जी। सो ये बात है मेरे भाइयों, आज के लिए इतना ही, ठीक है। आप मेरे को मैसेज करते रहो, उस हिसाब से वीडियो बनाता रहूँगा।